ऐसा क्यों होता है कि जो ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो कामयाब समझे जाते हैं और जो नहीं लाते हैं उन्हें नाकामयाब समझा जाता है? और जो इसमें मानते हैं वो क्या सोच के मानते हैं? ये चीज बताना मुश्किल है कि लोग ऐसा क्यों मानते हैं। शायद इसलिए क्योंकि नंबर्स देख के वो वैल्यू डिसाइड करते हैं कि जितने ज्यादा नंबर उतने ज्यादा वैल्यू सामने वाले इंसान की। ये भी बात सही है। अब ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं एक एग्जांपल देख के बताता हूँ। हाँ बोलो। अब ये चीज़ हर टीचर के लिए नहीं बोली जा रही, पर कुछ नमूने ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स को अपने मार्क्स के हिसाब से ट्रीट करते हैं। मेरे एक दोस्त के बारे में शॉर्ट में बताता हूँ। ये ऐसा लगेगा कि बड़ा चढ़ा के बोला है, पर ऐसा कुछ नहीं है, वो जो है वही बोल रहा हूँ मैं। तो ये स्कूल तक ही है क्या? होता ये है कि हमारे ओपिनियन से ज्यादा पेरेंट्स सोसाइटी का ओपिनियन कंसिडर करते हैं और ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, फिर हम पे प्रेशर डालते हैं। अब क्या ही बोले, लोग अगर इस भ्रम से निकले तो बात माने। लोगों को समझना चाहिए कि स्टूडेंट का दिल उधर भी लग सकता है जहाँ पे मार्क्स का काम ना हो। वही तो, कौन सा आर्टिस्ट या स्पोर्ट्समैन को आगे बढ़ने के लिए मार्क्स लगते हैं उनके फील्ड में? यही तो बात है। अब इससे याद आया, मैंने मार्क्स पे अकड़ने वाले लोगों में एक चीज जरूर देखी है। अब वो क्या? अब ये बात ऑफेंड कर सकती है कुछ लोगों को, पर भाई कम से कम मेरे हिसाब से वो मार्क्स पे अकड़ने वाले में क्रिएटिविटी शायद होती नहीं, या फिर वो लोगों को पता नहीं होता कि उनकी क्रिएटिविटी है किस चीज में। आपके बोलने का मतलब क्या है? ओके, बताता हूँ। अब बात यह है कि हमेशा माँ बाप ऐसे ही सिखाते हैं कि मार्क्स इज इक्वल टू सक्सेसफुल आज भी, और वही चीज हैमर करते रहते हैं। और जो कुछ नया करना चाहते हैं उससे मतलब दबा दिया जाता है।